बजट, आम बजट और 10 अहम विधेयकों के पास होने के साथ लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा के अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद आज राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए हो सकती है स्थगित। संसद में वित्त विधेयक पारित, जीएसटी विधेयक पर वित्त मंत्री ने दोहराई आम सहमति की बात, कहा कांग्रेस शासित राज्य कर रहे हैं विधेयक का समर्थन। राष्ट्रपति ने की स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अभियानों की सराहना, कहा ऐसे अभियानों से देश में मिलता है उद्यमशीलता को बढ़ावा। वित्त विधेयक पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अच्छे मानसून की भविष्यवाणी से की जा सकती है बेहतर आर्थिक विकास दर की उम्मीद। उत्तराखंड में पिछले महीने से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म, हरीश रावत ने किया विश्वास मत हासिल, आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का आना जारी, किन्नर अखाड़े का शाही स्नान आज। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ मेले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत आज कुंभ मेले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दार्शनिक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने केरल और तमिलनाडु में धुआंधार चुनावी रैली की, तमिलनाडु को डीएमके और एआईडीएमके से मुक्त कराने की अपील की। तमिलनाडु में रैली करने पहुंचे पीएम ने नागापट्टनम में की मछुआरों से मुलाकात, कहा श्रीलंका में फांसी की सजा पाए 5 मछुआरों के छुड़ाकर वापस भारत लाना बड़ी उपलब्धि। कॉल ड्रॉप के बदले नहीं मिलेगा कोई मुआवजा, ट्राई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, ट्राई ने दिया था कॉल ड्रॉप पर मुआवजे का आदेश। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को किया भगोड़ा घोषित, बार बार समन भेजने के बावजूद नहीं हुए अदालत में उपस्थित। नेपाल में आए भीषण भूकंप और भूस्खलन की तबाही के बाद पहली बार नेपाल के रास्ते से होते हुए नेपाली शेरपा ने की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। ब्रिटेन द्वारा विजय माल्या को भारत भेजने से इनकार करने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस मामले में भारत कानूनी प्रक्रिया को जारी रखेगा। इराक की राजधानी बगदाद में हुए कार बम धमाके में 93 लोगों की मौत, 87 अन्य लोग घायल। ब्राजील के सेनेट में राष्ट्रपति दिलमा राउसेफ पर महाभियोग के बारे में लंबा विचार विमर्श, दिलमा पर महाभियोग से ब्राजील में 13 वर्षों के वामपंथी शासन का होगा अंत। रविंदर खत्री और बबीता कुमारी को मिला रियो ओलंपिक का टिकट, इसके साथ ही ओलंपिक में देश की तरफ से पहली बार रिकॉर्ड 8 पहलवान लेंगे हिस्सा। आईपीएल के नए संस्करण में खेले गए लीग के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया।